भोजपुरी में जिसका नाम है वंश, और ये अगले महीने के 20 तारीख से बनारस में शूट होने जा रही है। और इसके पहले अगले हफ्ते में इसके दो आइटम सॉन्ग संजान में शूट होने वाले हैं वापी में, जिसके मेन कलाकार हैं गौरव झा, रितु सिंह, पलक तिवारी, सुशील सिंह जी एंड सुबोध सेठ। राइटर है मनोज पांडे जी, डायरेक्टर है राजू, प्रोड्यूसर है राजकुमार पालीवाल और रमेश साली, म्यूजिक डायरेक्टर है कल्याण। अभी आप लोगों को सवाल पूछने हैं तो पूछो। बनकर जी अभी भोजपुरी का दौर बहुत अच्छा हो गया है कि जो लोगों को शिकायत थी कि अश्लील फिल्में बनती हैं और गंदी फिल्में बनती हैं, तो वो उस टाइप की फिल्म नहीं है ये। और अब भोजपुरी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अच्छी अच्छी फिल्मों को लेके, तो वंश टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि एक पारिवारिक फिल्म है, फैमिली फिल्म है, और जिसे कि बच्चे, माँ बहन सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं इस फिल्म को। और राजू भैया मेरे बहुत मतलब पहले से हमारी जान पहचान है, इनके साथ मैंने दो फिल्में की हैं, जान लेबू का हो लुटेरे, ये तीसरी फिल्म है, तो बहुत ही बढ़िया इनका काम रहता है, डायरेक्शन बहुत अच्छा करते हैं ये, और सारी फिल्में इनकी हिट हुई हैं, जान लेबू का हो लुटेरे जितनी भी मैंने की है अभी तक, दो ही तीसरी। और ये फिल्म, ये पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं, जो इन्होंने इससे पहले कॉमेडी फिल्म बनाई थी, एक्शन फिल्म बनाई थी लुटेरे, ये एक फैमिली फिल्म है। तो बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म को लेके, तो आप लोगों से यही कहेंगे, दर्शकों से, कि आप लोग भरपूर प्यार आशीर्वाद दीजिए और दुआ कीजिए कि अच्छी फिल्म बनके ये बाहर आप लोगों के सामने आए। फिल्म के बारे में सबसे पहले प्रणाम अपने सभी भोजपुरी दर्शकों को, मैं रितु सिंह, एंड इस फिल्म के बारे में क्या बोलूँ, बहुत एक अलग हट के स्टोरी इसे कह सकती हूँ मैं, क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं अलग हट की स्टोरी है, अलग हट के, बट होता कुछ है नहीं खास, बट इसे मैं कह सकती हूँ बिकॉज एक फैमिली ड्रामा है और फुल एंटरटेनमेंट है, एक पारिवारिक मूवी है। हमेशा क्वेश्चन अराइज होगा, गौरव जी ने बोला कि फैमिली बेस्ड मूवी नहीं होती है तो लोग कैसे देख पाए, एक फैमिली बैठे कैसे देख पाए, लेकिन इसे आप देख सकते हैं और बहुत अच्छा फील करेंगे, और एक मैसेज भी जा रहा है इस फिल्म से बहुत अच्छा। एंड वही थैंक यू सो मच टू राजू सर कि जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने इनकी एक मूवी की है लुटेरे, इन्होंने मुझे उस लाइक समझा कि हाँ इस फिल्म के कास्टिंग के लिए मुझे याद किया, एंड डेफिनेटली मैं अपना इस स्टोरी को मैं बिल्कुल जस्टिफाई करूँगी उस कैरेक्टर को जो मुझे दे रहे हैं, और बस ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम। उनके बारे में, वो मेरे लिए डायरेक्टर कम बड़े भैया जैसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, मुझे उनसे ऐसा कुछ नहीं कि हम डिस्कस कर सकते, मैं बोल सकता हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ कि भैया ऐसा करें, तो वो एक फ्रीडम देते हैं आर्टिस्ट को कि तुम अपने तरीके से करो, अच्छे से करो, जिसका रिजल्ट आता है बाहर कि जो एक नेचुरल दिखता है। तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि आर्टिस्ट को फ्रीडम देते हैं। तो बाकी इस फिल्म के बारे में डिटेल में डायरेक्टर प्रोड्यूसर बताएंगे आप लोगों को कि इस फिल्म में क्या है, कैसे है, डिटेल तो वही बताएंगे। को-एक्टर होने के नाते मेरी फर्स्ट फिल्म थी मैं तेरे ओ साथी जो छत्तीसगढ़ में शूट की थी हमने, तो उस टाइम में एज अ प्रोफेशनल हम काम करते थे, ठीक है, इज़ ए वेरी गुड एक्टर, भले आप फ्रेंडली, अभी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट उस टाइम भी काम किया था, तो एक थी ट्यूनिंग, हम बेसिक बातें करते थे कि हाँ इस सीन को ऐसे कर सकते हैं, तो मुझे समझ में आया कि हाँ इनका खुद का इनपुट बहुत ज़्यादा होता है फिल्म में, कि होता है कि खुद जब डायरेक्टर भरोसा भी करते हैं एक्टर पे, तो होना चाहिए कि हाँ एक्टर के अंदर भी कुछ होना चाहिए, और वो एक्ट उस तरीके का जैसे एक्टर खुद लेके करता है, तो डायरेक्टर को भरोसा कि हाँ ये सीन उन्हें पसंद भी आना चाहिए, तो ऑब्वियसली टैलेंट तो होता है,
गौरव के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ बिकॉज और काफ़ी एक्ट्रेस जो हैं सभी कंफर्टेबल, बस ऐसे बहुत कम होते हैं ऐसे, यानी 90% एक्ट्रेस के साथ मैं कंफर्ट जोन बना ही लेती हूँ, लेकिन खुद में मैं तारीफ करूँगी कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और अपने माहौल को बहुत कम्फर्ट जोन लेकर चलते हैं, तो एक अच्छी ट्यूनिंग जब होती है एक्ट्रेस की तो कुछ अच्छा ही होता है, अच्छा निकल के आता है, स्क्रीन पे भी दिखता है, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन कुछ चीज़ें बहुत होती हैं, कहीं मिसिंग चीज़ें होती हैं, तो एक अच्छे फ्रेंड्स होते हैं एक्ट्रेस तो अच्छा निकल के आता है, इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं बेटर, और जब अननोन होते हो तो इम्प्रोवाइज करने में 10 बार सोचते हो यार करूँ कि ना करूँ, पता नहीं कैसा लगे सामने वाले को, तो ऐसा कुछ नहीं है, और वी आर लकी कि हमारी जोड़ी फिर से आ रही है और हम अच्छा करेंगे, थैंक्स टू राजू सर की उन्होंने सोचा और इस हमें कास्ट किया, तो एक ट्यूनिंग अच्छी है क्योंकि फीडबैक आप लोग से मिलता है तो इससे पता चलता है कि चलो हम तो अपना बेस्ट करते ही हैं, तो एज अ फ्रेंड इज़ वेरी गुड। जी बापजी फिल्म हाँ शूट करने जा रहे हैं और वो भी कॉन्सेप्ट वाइज बताऊँ तो देव पांडे जी उस फिल्म के डायरेक्टर हैं एंड खेसारी जी है एंड काफ़ी एक्टर्स हैं वहाँ, मजे हुए कलाकार रहेंगे उस सेट पे और वो बहुत एक पारिवारिक मूवी है टाइप ऑफ, वो भी एक स्ट्रगल है, स्ट्रगल स्टोरी है एक चाइल्ड का वहाँ पे जिसमें खेसारी जी प्ले कर रहे हैं उस रोल को, और एक वो भी एक्सपेरिमेंट है इंडस्ट्री में, तो हालांकि कॉन्सेप्ट हिंदी में था उन लोग का प्लान लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो वो कॉन्सेप्ट भोजपुरी में लेके आ रहे हैं, एक सब्जेक्टिव मूवी कह सकती हूँ मैं, तो उसे भी करके मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं इसको कर रही हूँ और मुझे स्टोरी बहुत पसंद है, और टाइप ऑफ बापजी मतलब अच्छा ये लगता है कि आप कभी कभी टाइटल इतने आ चुके हैं जो टाइटल जस्टिफाई नहीं हो पाते थे, टाइटल कुछ और होता था, स्टोरी कुछ और होती थी, मतलब हल्का मिलता जुलता वो था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता था, लेकिन बापजी हुआ एंड दिस वंश तो ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो भी, तो मेरे लिए प्राउड की बात है, हर एक एक्टर को प्राउड की बात होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये चुना जाता है, और बस यही हमारी ड्यूटी कि हम अच्छा करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है और टाइटल बहुत अच्छा है और फर्स्ट टाइम मैं रितु किरण गौरव जी के साथ काम कर रही हूँ, सेकेंड टाइम राजू सर जी के साथ काम कर रही हूँ और मेरी ये सेकेंड मूवी है, पहली मूवी मैंने की थी उनके साथ मेरी जब मेरा फैसला सारी चीज़ किया थी और थोड़ा नर्वस हूँ गौरव जी को और रितु जी को लेकर, फर्स्ट मूवी है इसलिए अगर मैं काम कर लूँगी उसके बाद काम कर लूँगी तो बहुत अच्छा फील होगा, अभी भी अच्छा लग रहा है। नहीं बात जमीन की नहीं है, इन्होंने बहुत फिल्में की है और गौरव जी ने भी बहुत फिल्में की है, तो मैं कहना चाहूँगी कि नर्वस होना अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा कॉन्शियस होना अच्छी बात नहीं है, नर्वस होना क्या होता है कि हम अच्छा करते हैं उसी डर से हम अच्छा कर पाते हैं, हमारी भी होती है कि लेकिन ऑल द बेस्ट और हम लोग साथ में काम करेंगे, थैंक यू सो मच, नर्वसनेस दूर कर देगा, एक दिन मैं इसको फ्रेंड बना लूँगी, झगड़ा लगता है मैं झगड़ा नहीं कर पाती नहीं मैं भी झगड़ा नहीं कर पाती हूँ, रितु जी झगड़ा करने में नर्वस हो जाती है, मुझसे भी लड़ाई नहीं होती है किसी की और मैं भी लड़ाई नहीं करती हूँ, अरे सेठ नाम कर गया सेठ साला, ये बात तो सही कह रहा जी भी नर्वस है मुझे, हाँ सीरियसली मैं बहुत नर्वस हूँ रितु जी को देखिए, बहुत नर्वस है, आई डोंट नो क्या मैं सिंगिंग निकले क्या सर, मैं पूरी टीम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ एक नए प्रपोजल के लिए, वंश के लिए अच्छी टाइटल है और डायरेक्टर अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, और गौरव जी के साथ ये दूसरी फिल्म पहली फिल्म कर रहा था लेकिन मैं बीमार पड़ गया तो नहीं कर पाया, नर्वस हो गए थे
गौरव जी को देख, हाँ तो मैं गौरव जी को देख के मैं बीमार डेंगू हो गया मुझे। ये दूसरी फिल्म है जो गौरव जी खत्म करने जा रहा हूँ रितु जी के साथ भी। ये दूसरी फिल्म है। आप नर्वस मत होइए। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, यू विल डू योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अरे मैं इनके साथ बहुत फिल्में कर चुका हूँ, राजू जी के साथ, मतलब सेट पे हमको सबसे ज्यादा डांटते ही है। नर्वस क्यों होते हैं तो डांटेंगे नहीं? अब बाद में पूछता हूँ तो बोलते हैं भाई है ना तू, भाई इसलिए डांटता हूँ। हाँ सबसे पहले कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे बाहर शूटिंग, सुबह सुबह 6 बजे जो लेट जाएगा उसे क्लास लगाते हैं, होना चाहिए। मेरी पहली फिल्म नहीं है, भोजपुरी में पहली फिल्म है। भोजपुरी में पहली फिल्म में राजू और मैं गए साल मिले थे, कुछ बात हुई थी, उसके ऊपर कहानी बनी, 2 महीने पहले कुछ कंसेप्ट बना, फिल्म शुरू कर दी। अगर कुछ गलत सोचता तो भोजपुरी फिल्म नहीं करता था। एक लाइन में सही बात है। एक लाइन में जवाब। नहीं मैं आज पहली बार मिला हूँ 10 मिनट पहले, तो मैं कुछ बता नहीं सकता। भोजपुरी के लिए राजू के बारे में बता सकता हूँ, राजू मेरे साथ 10 साल से काम कर रहा है, मैं उसके साथ काम किया हूँ कभी, राजू और मैं साथ में एक फिल्म किए थे मराठी, तो राजू को 10 साल से जानता हूँ, ऐसे एक भरोसा है राजू के ऊपर, इसलिए भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ। और कोई ये नहीं है कि भोजपुरी ऐसा है वैसा है, हालांकि बात हुई थी किसी के पास से कि भोजपुरी पानीपुरी की तरह होता है, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट अमरीश पुरी की तरह करूँगा। बराबर राजू। तो वो और कुछ गलत सोचता था ये फिल्म नहीं करता। ये आधे घंटे में टाइटल रजिस्टर हुआ परसों के दिन। स्टोरी राजू के पास रेडी थी, मनोज पांडे जी ने लिखी थी, 1.25 महीने पहले मेरे को स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी मेरे को सिर्फ थोड़ी सी पता है कि एक लड़का भाग जाता है, बस और कुछ नहीं पता है। उसे बता के घर छोड़ के भाग जाता है। शादी के मंडप से भाग जाता है, बस इतना ही मुझे पता, आगे का स्टोरी पता नहीं। राजू आगे का सुन मत, मैं नहीं सुनता। वो मनोज जी बताएंगे, मनोज भैया, क्योंकि उन्होंने लिखा है। करेक्ट। तो बहुत स्वागत है, बहुत बधाई हो, काफी टाइम बाद कौन स्क्रीन का अनुरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे दर्शकों के? मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि थिएटर में भोजपुरी दर्शक बहुत कम जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से बहुत अश्लील फिल्में बन रही थी, फैमिली तो बिल्कुल नहीं जा रही थी, तब कुछ टाइम से फैमिली ड्रामा फिल्में बननी शुरू हुई है, इमोशनल फिल्में बननी शुरू हुई है, तो लोग पसंद भी कर रहे हैं और उसको सराह भी रहे हैं और थिएटर में लोग जा भी रहे हैं, और इसका यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैंने अभी तक तो ज़्यादातर एक्शन फिल्में बनाई है, जैसे रखेल आसान, भोजपुरिया जवान, वीर बलवान, एक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जान ले वो का हो, उसके बाद फिर गौरव के साथ मैंने 2 फिल्में की है। तो ये जब कॉन्सेप्ट तैयार हुआ तो मुझे लगा इस कॉन्सेप्ट में मैं गौरव और रितु को फिर से रिपीट करूं, लेकिन ये दोनों जोड़ी मेरी एक फिल्म में थी लुटेरे में, वो जोड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी और लोगों ने इस जोड़ी को सराहा भी था, तो इसलिए इस जोड़ी को मैंने रिपीट किया। और एक इसमें एक और बहुत ही अहम किरदार है जो पलक तिवारी कर रही है, तो ये ट्रेगुलर लव स्टोरी है और फैमिली ड्रामा, इमोशनल फिल्म है, और ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और जितने लोगों को सुनाया उसने इस कहानी को बहुत सराहा है, इसलिए इस कहानी को मैं बनाना चाह रहा हूँ। नहीं वंश का उस फिल्म से इस फिल्म का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ टाइटल मैंने लिया है क्योंकि ये टाइटल मेरी कहानी के ऊपर जा रही है, तो इसके लिए टाइटल मैंने उसको लिया है, बाकी उस कहानी से इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। एकदम डिफरेंट मूवी है, एकदम इमोशनल फिल्म है, फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो लोग अभी पसंद कर रहे हैं उस हिसाब से ये फिल्म को लाइनअप किया गया है। देखिए उसके लिए सिनेमा देखना पड़ेगा, उसके लिए सिनेमा देखना पड़ेगा। क्या है, हीरो घर छोड़ के भागता है, यही तो मेन कहानी का यही मेन लाइन है। और अभी मैं कहानी का घर छोड़ के भागता है, शादी के मंडप से भागता है, उधर गियर फंसा है।
तो क्या है देखो, अरे फिर क्या होता, फिर वापस आ जाता है। देखो ज्यादातर देखा गया है कि हीरोइन घर छोड़ के शादी के दिन भागती है, लेकिन इसमें हीरो भागता है। अभी क्यों भागता है, क्या भागता है, ये एक नयापन है। इतना ही तो बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी है कि क्यों भागता है, इसका रीजन क्या है, और फिर पूरी कहानी इसी में पिरोया गया। अब जान के क्या करोगे, आपकी तो शादी हो चुकी है, तो अब जान के क्या करोगे कि हीरो क्यों भागता है शादी के दिन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाकी की हाँ जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सबको बधाई, ये सर की, प्रोड्यूसर सर की पहली भोजपुरी फिल्म है, और राजू जी के साथ ये मेरी पहली फिल्म है। इसके पहले हम लोगों ने दो बार कोशिश की लेकिन काम कर नहीं पाए, इस बार हम लोग फाइनली काम कर रहे हैं। और गौरव के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है, बहुत अच्छे एक्टर हैं ये, रितु जी भी अच्छी एक्ट्रेस हैं, पलक जी भी। देखिए राइटर वही है जो हर तरह की फिल्में लिख ले, तो ये डिमांड होती है प्रोड्यूसर्स की, ऑडियंस की। और जहाँ तक आज का जो दौर चल रहा है, आज केवल पारिवारिक सिनेमा चल रहा है, तो पारिवारिक सिनेमा में कहानियाँ लगभग सब एक ही होती हैं। आप सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की बात ना करें, आप वर्ल्ड सिनेमा की भी अगर बात करेंगे तो कहानियाँ वही 10 होती हैं। 11वीं कहानी आज तक बनी ही नहीं कहीं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन होता है, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और प्रेजेंटेशन में हमारे राजू सर को महारत हासिल है, और कहानी इन्हीं की है। जब पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी और कहा इसको डेवलप करना है, तो वो पहली नज़र में वो कहानी बहुत पसंद आई और बहुत ही यूनिक और हट के कहानी है। वो कहानी क्या है, इसके लिए आपको सिनेमा देखना पड़ेगा, कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा डायरेक्टर तो ऐसे है ही नहीं, लेकिन मेरे डायरेक्टर ऐसे ही नहीं, अगर आप कभी डायरेक्टर बने तो फिर सोची जाएगी। हाँ सर, नहीं नहीं देखो, आजकल अश्लील फिल्में तो बिल्कुल नहीं बन रही है और बनना भी नहीं चाहिए। इस चीज़ से मैं बहुत विरोध करता हूँ और विरोध हूँ। ऐसी इस तरह की सब्जेक्ट हम कभी उठा भी नहीं सकते, और नहीं मैं उठाना चाहता हूँ, और इनको लिखना भी नहीं चाहिए। अगर कोई प्रोड्यूसर इनके पास आता भी है कि असली फिल्में बनाना है, लिखना है, तो लिखना भी नहीं चाहिए। अगर मेरा राय लिया जाए तो मैं तो नहीं सलाह दूंगा इस तरह की फिल्में लिखने का, क्योंकि असली के अलावा भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं, काफ़ी मुद्दे हैं जिसपे फिल्म बनाए जा सके। देखिए इसका मुख्य कारण क्या है कि आजकल जो फिल्में जो पिछले काफ़ी सालों से जो बनती आ रही है, उसमें अश्लील फिल्में बहुत बनी, डबल मीनिंग डायलॉग बहुत रहा करते थे। इसके लिए फैमिली एकदम बहुत दूर चली गई थिएटर से। इसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब का ज़माना आया, तो यूट्यूब पे भी लोग इस तरह की फिल्में देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ अभी, क्योंकि काफ़ी साल से अभी फैमिली ड्रामा फिल्में काफ़ी चल रही है, यूट्यूब पर भी लोग काफ़ी उस चीज़ को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, काफ़ी व्यूअर्स आ रहे हैं, तो चेंज ओवर आ रहा है भोजपुरी में भी, और आएगा, और आगे मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा लोगों के ऊपर। थैंक यू सर। थैंक यू। फिलहाल तो पारिवारिक फिल्म है, अभी एक आइटम सॉन्ग अभी 5 दिन तक मेहनत किया दोनों ने, राइटर साहब है अपना शुक्ला जी, इन्होंने काफ़ी ये किया है, मदद किया है लिरिक्स में, और 2 रोमांटिक सॉन्ग हैं, अभी उसके लिए काम चल रहा है। भोजपुरी में पहले भी आपके गाने आए हैं? पहले तो नहीं आए, 1-2 एल्बम किए थे, हिंदी का काफ़ी काम किया था। भोजपुरी और हिंदी में भी दोनों में क्या कुछ अलग बन रहा है? अलग कुछ नहीं सर, पैटर्न तो वही रहता है, बस भोजपुरी में थोड़ा सा लाउड होना चाहिए म्यूजिक। डायरेक्टर तो सर राजू जी बहुत ग्रेट है, और सर से मैं 2-3 साल से मतलब उनके साथ टच में है, कभी काम मिले तो बोले, तो राजू जी बोले कि एक काम आपको देते हैं। बढ़िया हूँ सर। सर सबसे पहले जय मैया जय सरस्वती, लो मात पिता का नाम, देश प्रेमी सब जनों को विंध्या का प्रणाम। सर ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा मेरे को लगा, और दादा ने मेरे को बताया कि इसमें गाना लिखना है। जैसे आप जानते हैं मेरी 20-25 फिल्में भोजपुरी में आ चुकी हैं एज ए राइटर, और मैं यही कहूँगा कि सारी टीम के लिए मेरी दुआ भी है कि देखो आज कर रहा है बातें मानव ऊंच गगन से, सब
कुछ कर सकते हो भाई मेहनत और लगन से। तो सब लोग मेहनत और लगन से काम करेंगे। और जैसे कि ये दर्शक के लिए बहुत अच्छी बात आ रही है, B4U चैनल संदीप सिंह जो उसके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भोजपुरी में एक अच्छा ट्रेंड ला दिया है कि स्टारों के पीछे मत भागो और एक अच्छी कहानी लेकर के फैमिली ड्रामा बना करके लोगों को मनोरंजन कराओ। लोग मनोरंजन करने को तैयार हैं, इसका प्रूफ भी है। अभी हमारी आई थी हाल में आशीर्वाद छठी माई के, उसमें एकदम फैमिली ड्रामा पारिवारिक हमने दिखाया और उसकी रेटिंग 12 के ऊपर चली गई। आज तक कोई भी फिल्म की इतना मतलब पर्दे पर इतनी रेटिंग नहीं आई थी। तो अगर पब्लिक को आप अच्छा चीज़ दिखाओगे तो देखने की लोग कोशिश करेंगे। और इस फिल्म में किस तरह कहानी लिख रहा है सर? इस फिल्म का जैसे अपना टाइटल है उसी हिसाब से फिल्मी ड्रामा ही होगा। लोग बोलते हैं आइटम सॉन्ग में भी वल्गैरिटी डालो, लेकिन वल्गैरिटी नहीं। अभी हम रिकॉर्ड करके आए हैं, अलका झा जी ने गाना गाया है, कल्याण जी ने म्यूजिक बनाया है, बिंदिया शुक्ला मैं लिरिक्स लिखा हूँ और बहुत अच्छा गाना बना है। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा वंश के बारे में कि वंश वही सपूत जो वंश का नाम करे और वीर सपूत वही जो विलेन का सत्यानाश करे। सर देखा जाए अगर तो हीरो को ताली और विलेन को गाली, इसी को कहते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो होता है सच्चा माली।